तो भाई अभी हैं हम हवा महल के अंदर। एक्चुअली हम इसकी बैक साइड पे हैं, इसकी जो फ्रंट साइड है वो ऐसे मतलब रोड पे से जाके पीछे से घूम के काफ़ी लंबा जाके है, बट मैं जाऊंगा फ्रंट साइड पे क्योंकि मेन तो जो वही है एकदम वही लगता है, अच्छा सा लुक होता है। जो मेन जयपुर का अगर सर्च करोगे ना तो वही पहले आता है हवा महल का पूरा बड़ा, तो हम वहाँ जाएंगे। अभी हम हैं अब इसकी बैक साइड पे और अभी चल रहे हैं अंदर वहाँ से। तो यार अभी मैंने मास्क हटा दिया था, मतलब तो इन्होंने कहा मास्क लगा लो, एंड ये अपना भिड़ते ही आया है, मतलब शुरू में घुसते आया फुहारा। और ये जो पीछे दिख रहा है ये आपको इसकी बैक साइड का है, ऐसा ही कुछ सेम जो है वो पीछे का होगा, फ्रंट साइड का होगा। तो देखते हैं, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, आते ही मतलब एकदम ऐसी हवा लगी, झंझनाहट सी हुई, ठंडी हवा लगी, काफ़ी मज़ा सा आ गया, सुकून सा मिल गया। तो यार ये है अपनी पूरी खिड़कियाँ सी, ये देखना कैसे छोटी सी खिड़की है, इसमें से रानी ऐसे झाँकती है जैसे लड़का झाँक रहा है। ये इसको यहाँ से देखती थी बाहर का व्यू, हेलो कर दो एक बार, कोई तो हेलो कर दो। क्या देखती थी भाई इनमें से झाँक झाँक के अपने राजा को, ठीक है ना, राजा नीचे खड़ा रहता होगा, रानियाँ चोरी छुपके से मतलब इशारे, हेलो जी, हाय जान, हाउ आर यू जान, यू नो उस टाइम भी यार रोमांटिक समझ सकते हो यार, रोमांस कभी भी कहीं भी हो सकता है। ला भाई यार ये खिड़की तोड़ दी, देख इतनी बेचैनी होती थी अपने राजा से मिलने के लिए, खिड़की तोड़ रखी है। यहाँ बैठ के बीच में आग जला के, आ हा 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 क्या मज़ा है, चारों तरफ कुर्सी। अंकल हेलो कर दो, ओ अंकल, अंकल हेलो, ठीक ठाक। मतलब हवा महल एकदम ऊंचाई पे है यहाँ पे ना, बिल्कुल छोड़ दिया, हवा ही हवा है यहाँ पे। हाँ सच में भाई, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ को जा रही है, अपने को कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना, मतलब हर एक पोर्शन से हर एक जगह से हवा आ रही है, मतलब ठीक है, जैसा नाम भी वैसे ही रखा फिर उन्होंने हवा महल, तो नाइस नेम, उस टाइम सही सोच लगाया होगा उन्होंने कि भाई हवा महल है, देखना पूरे में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं सारे में, तभी इसका नाम थोड़ा यू नो। तो यार वहाँ से और यहाँ पे इन फुहारों में रानियाँ झाँक झाँक के देखा करती, यानी कि कुछ आ जाता होगा ना मेहमान मुमुन, मतलब उसके इनके महारानियों के राजा के दोस्त दोस्त, तो अपना देखते होगी सही है, अपना खिड़की छोटी छोटी बना रखी है, अपना ताकते रहो झाँकते रहो, और कोई अनजान आता होगा, कोई कुंवारी होगी तो समझ जाओ, समझ जाओ। हाय अंकल कैसे हो, बता ना एक बार कितनी खिड़कियाँ हैं यहाँ। 900 कुछ आसपास, भाई साहब 900 के आसपास खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है अपना चल रहे हैं। और अंकल सही टाइम पास हो जाता है, अलग अलग तरह के टूरिस्ट आते होंगे ना, बताना थोड़ा सा, मतलब कोई किस टाइप का मेरे जैसा आता है क्या ऐसा। ठीक है भाई, अंकल से 2 मिनट बात करी, मज़ा सा आ गया, अभी मैंने और भी बात करी थी, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना, तो इतनी करी, थोड़ी काम काम की बातें। लो भाई आ गए हम भी टॉप पे, ठीक है ना, ये देख लो पूरा जयपुर का एकदम मस्त व्यू आ रहा है भाई साहब, क्या बात है क्या बात है। वो देखो मेरी फोटो खींच के सामने खड़ी होगी, रहन दे देख लेगी, देखिए पूरा अपना, और वहाँ पे कोई किला विला है वो सामने, पूरा सामने दिख रहा होगा, तो नारगढ़ का किला है वो, जो शुद्ध देशी रोमांस पिक्चर थी ना सुशांत सिंह राजपूत की, अभिनेत्री चोपड़ा की, वो सामने वो जो कैफे है ना विंड व्यू कैफे, वहाँ पे बैठ के उन्होंने शूटिंग की थी। बेटे घर वालों से छुप के आ रहे हो तुम, मैं जानता हूँ, हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, पूरा का जो ये है ना ये पूरा पूरा ये दिख रहा था ऐसे इधर हवा महल, मजा आपकी बात नहीं है सच में। हाँ सच में भाई, गर्मी लगने लग गई थी तो हमने उतार दी अपनी हुड्डी,
और अब जो मेन शो था मैं बता रहा था कि हम पीछे से घूम घाम के अब मेन आए हैं इस पे, ये जो है अपना हवा महल का जो मेन आगे आ रहे आगे का यार मुंह पे आए हम, पीछे से हट के मुंह पे आ गए। ओ भाई मैं गलत था, मैं फेस पे ही था, पीछे अब आया हूँ। हाँ ये अब मेरे को पता चला कि ये इसका बैक साइड है और मैं फेस पे ही था। अरे शिट यार मेरे को नॉलेज नहीं है ना, सॉरी भाई सॉरी, मैं पहले बोल गया कि जिस तरह मैं ये फेस पे आऊँ ना भाई, ये इसका बैक साइड है, हम फ्रंट पे थे, सॉरी भाई सॉरी, मैं फेस से पीछे आया हूँ। हाँ पक्का पक्का। तो यार भाई हम अपना जल में कौन सा था वो, अरे हवा महल देख के आ चुके थे, बीच में फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो हमने अभी ये लगाया पावर बैंक में और अभी हम आए हैं जंतर मंतर। ठीक है तो आओ जंतर मंतर देखते हैं साथ में। यार अभी फिलहाल है जंतर मंतर के बाहर, ये आंटी खड़ी पुलिस वाली पानी को देख रही है मुझे टेडी टेडी। भाई एक चीज़ यहाँ मेरे को बड़ी सही लगी कि अपना आई कार्ड दिखाओ, यानी कि स्टूडेंट हो आप इंडिया के अंदर ही, इसका दिखाओ साला 20 रुपये कम हो जाते हैं 30 रुपये। ये ठीक है भाई, इनकी 50-50 की आई, मेरी भाई 30 की आई, टोटल लगे अपने 120 रुपये। भाई ये करवा चौथ पे जो लड़कियां महाराजा की व्रत रखती थी ना, मतलब बहुएं, वो ऊपर जाती होंगी भागी भागी भागी, ठीक है, और कहते होंगे सुनो जी चांद निकल गया है भाग के आ जाओ, वही सिस्टम लग रहा मुझे यहाँ, है ना, देखना कैसी बना रखी सीढ़ियाँ। भाई क्या चीज है जंतर मंतर ये तो बता दो। पुराने आदमी के जो पुराने जमाने के लोग होते थे ना, हाँ वो जिन चीजों का यूज करके ना, हाँ दिशाएं देखते थे या मतलब काम लेते थे ना, हाँ ये सूरज ढलता है इस चीज का पता लगाते थे, त्योहार व्यवहार कैसे होते है ना। अच्छा कौन सी दिशाएं देखते थे, अरे बता रहा हूँ मैं उन चीज़ कौन सी दिशाएं देखते थे बेटे बता दे मका, इसको सब पता भाई, यो ही मिल का हुआ है पता। तो यार भाई हमें हमारे भैया मिले जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, एक बार बता दे यार भैया कुछ तारीफ कर दो। अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, मैं वैसे गुड़गांव से हूँ और इनकी जितनी अभी स्टार्टिंग की इन्होंने ब्लॉगिंग के लिए, तो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं बेसिकली। थैंक यू यार, प्लीज आप लोग भी देखें और सपोर्ट करें और बहुत जल्दी आगे निकाले भाई को भी। थैंक यू यार भाई, थैंक्स भैया, ऐसे होते हैं सच्चे फैंस देखा। अरे यार गलती तो मिला यार, होता है यार, समझा करो थोड़ा। तो भाई अपना एक भाई मिला था, ये गुड़गांव से है और मैं हूँ बहादुरगढ़ से, तो मैं भी चली गई होगी इनके पास, मतलब ऐसे यूट्यूब पे आ गया तो क्लिक कर दी होगी, तो इन्होंने पहचान लिया मुझे क्योंकि मैं घर, इन्होंने मेरा देखा था घर वाला व्लॉग जब मैं घर पे काम कर रहा था। तो भाई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड भाई ऐसे ही सपोर्ट करना प्लीज़ यार। ये देखो मुकुल कौशिक ना शरारती हो गया, बहुत नोटी लड़का है ये, देखो किसी किसी के पास जाकर अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है और हेलो भी, देखो अंकल भी कितने खुश हैं। तो यार हम अपना घूम फिर के थक हार के ऐसे हाल में आ गए हैं, गर्मी बहुत ज़ोर से लग रही थी तो अब आ चुके हैं और अब अपने चल रहे हैं रूम में। बाकी मैं शाम को आपको एक ऐसी जगह लेके चलूँगा, मतलब एक शाम जी जय श्री शाम का चाट भंडार है, उस आदमी के पास लेके चलूँ, उस भैया के पास लेके चलूँगा, तो देखना यार किस हिसाब से मतलब दही बल्ले और चाट पापड़ी बनाता है बढ़िया से एकदम मस्त। यार मैंने बताया था ना कि मैं शाम को एक ऐसी जगह लेकर आऊँगा बढ़िया, भाई श्याम बाबा का इन्होंने नाम रख रखा है इस रेडी का, और भैया का नाम था क्या नाम था यार भूल गया मैं, अनिल भैया का नाम था। और भाई ये जो बर्मा गोलगप्पे ना ऐसे स्वादिष्ट बनाते हैं भाई, मजाक की बात नहीं, अभी हम खाएंगे स्पेशल इसीलिए आया हूँ मैं होटल से। ये देख लो भाई फटाफट भाई बना रहे हैं। यार ये है अपना, ये भैया ने बनाया बर्मा गोलगप्पे, अभी करते हैं इसको ट्राई, कल तो बहुत स्वाद थे आज उससे भी ज़्यादा स्वाद लग रहे हैं। हाँ भाई कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा होगा पक्का, अच्छा लगा होगा यार मैं बता रहा हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे आज मैं आज आया हूँ, कल आया हूँ मम्मी, कल आया हूँ ना, तो मैं कल आया हूँ भाई सुबह 6 बजे जयपुर से,
जो इसका पार्ट 3 होगा वो कल आ जाएगा, कल वीडियो एडिट करूँगा और मैं कल उसको डाल दूंगा। उसमें मैं गया हूँ आम्बेर किला, आम्बेर किला का सारा वो दिखाऊंगा कैसा था, बहुत ही बड़ा था यार, घूमने में 3-4 घंटे लग गए। तो जिसका पार्ट 3 है वो मैं कल डालता हूँ, तब तक के लिए इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ओके, बाय बाय।